नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आपको याद होगा कि बीते दिन भी शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को एक पत्र लिखा गया था। देखिए, कल भी हमने एक वीडियो किया था, आपको बताया था कि आखिर उस पत्र में शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को क्या कुछ लिखा गया था। लेकिन आपको बता दें कि आज हम आपको आने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लास्ट वार्निंग दे दी है, बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, साफ कह दिया है कि रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर कोर्ट जाना पड़ सकता है। जी हां, उन्होंने क्या कुछ कहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, क्या कुछ करेगी अब बीपीएससी, इसी को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सज्जल जी से बातचीत की है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सज्जल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी बहुत स्वागत है आपका। जी जी, कल हमने चर्चा की थी, हमने ये चर्चा की थी कि बीपीएससी को एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने एक पत्र लिखा है। कल उस पत्र के बारे में भी हमने चर्चा की, लेकिन बड़ी बात उस पत्र में ये थी कि शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बीपीएससी कुछ ऐसा ना करे कि मामला कोर्ट तक चला जाए। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस बात को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी दे दी है, कोर्ट तक जाने की बात कह दी है शिक्षा विभाग। देखिए, ये जिस मुद्दे को शिक्षा विभाग ने आधार बनाया है जी जी, वह है अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023। इसी नियमावली के तहत 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उस नियमावली में साफ साफ है प्रोविजन कि पहले शिक्षकों की नियुक्ति होगी और नियुक्ति के बाद उनके सर्टिफिकेट्स का सत्यापन होगा जी। तो लेकिन जैसा कि याद है, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच जो अभी वर्तमान में विवाद उठ खड़ा हुआ है जी। उस विवाद की एक मूल वजह ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की का सत्यापन रिजल्ट आने के पहले करवा रहा है जी। जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ये प्रावधान नहीं है। तो शिक्षा विभाग ने यही कहा है बिहार लोक सेवा आयोग से कि आप ऐसा कुछ मत करिए जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत हो। अच्छा, हाँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिए जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत हो, क्योंकि ऐसा होने से बाद में ये कोर्ट का मामला बन सकता है। हाँ हाँ, और जब ये कोर्ट का मामला बनेगा जी। तो इससे नियुक्ति की प्रक्रिया तो बाधित होगी ही, और सरकार पर मुकदमेबाजी का खर्च भी बढ़ेगा, मुकदमे लड़ने का खर्च भी सरकार को उठाना पड़ेगा विभाग को। तो ऐसा ऐसा कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, मतलब अगर वो कोर्ट तक चली जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लेटर वॉर भी जारी है, तो मतलब शिक्षक भर्ती जो परिणाम है वो रुक सकते हैं, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की अपनी प्रक्रिया के, और बिहार लोक सेवा आयोग पहले भी कर चुका है शिक्षा विभाग से कि भैया हम जो कर रहे हैं वो जब तक हम अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं करा लेते हैं तब तक हम नियुक्ति की अनुशंसा नहीं करते हैं। और हाँ, ये आयोग पहले कर चुका है पहले वाले पत्र में। तो इसी पे ये जो आयोग का जवाब था, आयोग का कहना था, उसी का काउंटर शिक्षा विभाग ने आपको इस लाइन से किया है कि आप ऐसा मत करिए जो नियुक्ति नियमावली के विपरीत हो, और इससे मामला कोर्ट में जा सकता है। कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो रिजल्ट है, उस पर भी खतरा मंडराएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर कोर्ट में जाएगा तो ये तो स्वाभाविक है ना कि कोर्ट फिलहाल मामले की सुनवाई होने तक तो अंतरिम आदेश देगा ही ना। बिल्कुल देगा, स्टे लगा देगा। हाँ, तो इंटरिम ऑर्डर में इससे हो सकता है जी। तो लेकिन फिलहाल ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल शिक्षा विभाग का तर्क और आयोग का तर्क दोनों में है ना,
वो लॉजिकल वार चल रहा है, लेकर वार के साथ साथ वो लॉजिकल वार चल रहा है, दोनों ही अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं। और अभी और शिक्षा विभाग ने आपको याद होगा कि उसने आयोग से जानना भी चाहा था जी 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 कि आप ये बताएं कि इसके पहले कौन कौन सी परीक्षाओं में आपने पहले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन किया है जी बिल्कुल। तो ये जो है तर्क माने हर हर दोनों पक्ष जो है वो अपने 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 स्टैंड पे बातें कर रहा है, अपने बात कर रहा है बिल्कुल। लेकिन कल एक और चीज हमने देखी, एक और चीज चर्चा का विषय बनी रही, वो ये रहा कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र तो लिखा, लेकिन बीपीएससी ने जो पत्र लिखा था शिक्षा विभाग को उसको लौटा दिया है, यानी कि बीपीएससी का अपमान भी कर दिया है शिक्षा विभाग ने पत्र लौटा कर। आपको याद होगा जी कि इसके पहले जब वो शिक्षा मंत्री के जो आप सचिव हैं जी उन्होंने हाँ हाँ उन्होंने जो पीत पत्र के बदले लेटर लिखा था जी जी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को जी, तो आपको याद होगा कि उस पीत पत्र को भी शिक्षा विभाग ने चेतावनी के साथ शिक्षा मंत्री के आप सचिव को लौटाया था। तो पत्र लौटाने की ये दूसरी घटना है, ये दूसरी घटना है। और पत्र जो दोनों दफे लौटे हैं, लौटाए गए हैं, ये 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 एक अलग चिट्ठी के साथ लौटाए गए हैं। लौटाने का मकसद ये है कि हम आपका जो पत्र है उसकी हम कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आपको लौटा रहे मतलब हैं। बड़ा मैसेज भी दे दिया गया कि आपके पत्र को हम नोटिस नहीं ले रहे हैं और इसीलिए हम लौटा रहे हैं जी। ये पत्र आप खुद रखिए, लेकिन उस पत्र के साथ जो पत्र गया जी उसमें कई सारे सवाल फिर उठा दिए गए, जिसमें ये कोर्ट वाला मामला भी है। बिल्कुल, ये भी बोला गया, चेताया गया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सजल जी, कि जिस तरह देख रहे हैं कि पत्र वॉर जो है वो जारी है, लेटर वॉर हो रहा है, हमने एक पार्ट मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से जो बीपीएससी को पत्र लिखा गया, अब तक बीपीएससी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, यानी तो हम यही समझे कि के पाठक ने डरा दिया है अतुल प्रसाद जी को। नहीं नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि के पाठक कहिए, शिक्षा विभाग कहिए, उसने जो दो सवाल पूछे हैं जी, कि पहला सवाल ये है कि आपने कौन कौन सी परीक्षाओं का रिजल्ट आने के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, एक सवाल ये है। और दूसरा उसने सवाल किया है शिक्षा विभाग ने कि आप मतलब कह दिया है सीधे तौर पे कि आप शिक्षक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधानों के विपरीत जा रहे हैं। तो अगर उसका कोई उस प्रावधानों के विपरीत जाने का कोई निगेटिव असर हुआ, मामला कोर्ट में गया, तो पहले कह दिया कि इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी भैया, आप ही की होगी जो स्थिति लगेगी या उलझेगी, डरा दिया है बीपीएससी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग का जो पत्र गया है उस पर मंथन कर रहा होगा, और देखिए उसके मंथन के बाद, उसके विमर्श के बाद, उसके लीगल एस्पेक्ट के बाद उससे क्या रिजल्ट निकलता है ये उस पर डिपेंड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि अभी अभी जो पत्र वॉर शुरू हुआ है, लेटर वॉर शुरू हुआ है, ये अभी रुकने वाला नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि ये मामला काफी पेचीदा हो चुका है, विवाद काफी बढ़ चुका है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।